का ही हूँ जैसे बोल तो गाइज यहाँ पे जो लिखा है तमिल में उसका जो मीनिंग क्या है पता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ही फोकस करो और वही इम्पोर्टेंट है और तुम्हारा साधना इम्पोर्टेंट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस करो वही इम्पोर्टेंट है और तुम्हारा साधना करना। जो भी तमिल फॉलोअर्स है तमिलियंस है अगर उनको पता है इसका मीनिंग तो कमेंट में लिखो, मैं उनको पिन करूँगा। ओके इसका इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है और यहाँ पे जो आश्रम है उनके जो स्वामी है इस आश्रम के जो स्वामी है जो ये आश्रम है जो मैंने दिखाया था पहले इस आश्रम के जो स्वामी या पुजारी बोल सकते हैं वो एज 15 से यहाँ पे है, खाना बना रहे, आश्रम का देखभाल कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, मतलब पूरा। और इनको डोनेशन भी हम दे सकते हैं। मैं नीचे फ़ोन नंबर लिख दूंगा, आश्रम का फ़ोन नंबर लिख दूंगा, फिर आप उनको जी पे, फ़ोन पे और गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम सब कर सकते हो, पर इधर आना ज़रूर, ठीक है? कोयम्बटूर ईशा में आए ना तो इधर एक बार तो विज़िट देना ही है। ओके हेलो गाइस, हम लोग आ गए वापस, अभी जा रहे हैं तो एकदम साइकिल का हो गया टायर पंक्चर, उसी पंक्चर टायर से मैं सिर्फ पार्किंग के पास लेके जा रहा हूँ। तो मस्त गए थे हम लोग उधर विलिंगिरी बाबा के छोटे से आश्रम में, तो उनके बारे में मैंने बताया है, मतलब मेरे दोस्त ने, तो वहाँ के एक पंडित स्वामी बता रहे थे कि वो जो बाबा है बतावा जा रहा है, वहाँ के जो बाबा है पंडित है और वॉलेंटियर्स, वो बता रहे थे कि उन्होंने वो आए और ट्राइबल लोगों को खाना देते थे और उन्होंने इतना साधना किया था, इतना योगा किया था कि वो सिर्फ खाने में, मतलब दिन भर सिर्फ एक ब्लैक कलर का, सॉरी ब्लैक कलर बोल रहा, एक लड्डू या फिर लड्डू खाते थे, एक मतलब वो एनर्जी लड्डू, ऐसा वो इंग्रेडिएंट्स पता नहीं पर एक लड्डू खाते थे, बस हो गया उनका डिनर ब्रंच लंच, एक लड्डू फुल डे खाया, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जाते थे से लोगों का, ट्राइबल लोगों का सेवा करते थे। उधर के स्वामी ने भी बोला था कि वो उनके पास इतना पावर था कि वो आयरन का ब्लॉक लेते थे और कुछ करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, गोल्ड में ऐसा। और ऐसा आपको पता है कि नॉर्थ में भी कैलाश और वो जो भी है वहाँ पे जितने भी महर्षिज रह चुके हैं उनके पास ये सब ताकत होती थी और वो उनके साधना की वजह से ही कुड वॉक ऑन वाटर ऑल्सो। वो स्वामी वॉक पानी पर भी चल सकते थे और मैं उधर बैठा अंदर और फिर एकदम ध्यान लिंगा जैसा ही एनर्जी एक्सपीरियंस किया, फुल मेडिटेशन किया, एंड सेम जो ध्यान लिंगा में जो एनर्जी फील होता है ना वैसा ही कुछ फील हुआ मुझे भी। नो ये सच है, मेरे को तो विश्वास हो गया भाई।
ये है करके, क्योंकि वो एनर्जी एनर्जी फील होता है वहाँ पे, ठीक है। उनका समाधि का प्लेस छोटा ही है पर एनर्जी फील होता है। उसके बाद हाँ वॉक, हाँ वो स्ट्रीम था पीछे, देखो हम लोग जहाँ पे मैंने आपको वो दिखाया स्ट्रीम, तो वहाँ पे बहुत पानी भरता था पहले पहले, अभी तो समर टाइम है इसके लिए पानी नहीं है, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन विंटर सीजन पानी तो रहता ही है, क्योंकि विलिंगिरी माउंटेन से वो पानी आता है और फिर यहाँ पे से स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। तो यस ही कुड वॉक ऑन वाटर, बहुत कुछ वो करते थे। देखा अपना इंडिया कितना महान महान ऋषि मुनियों से भरा है ब्रो, ऐसा ही होना चाहिए। सब महान महान ऋषि मुनियों के आश्रम दिखाऊंगा तुमको, तुम लोग को भी सुपर ह्यूमन बनाऊंगा फुल ऑन। मेरे पास वो ऐसा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का स्किल्स नहीं है, पर फिर भी समझा करो गाइस, मेरा मकसद पर्पस वो सब क्या करूँगा आगे जाके। सॉरी मेरे को फ़ोन आ गया। तो हाँ मेरा पर्पस यही है कि तुम लोग को मस्त मस्त ऐसा आश्रम दिखाने का और योगा की तरफ तुम्हें प्रोत्साहित करके मोटिवेट करके तुमको फुल सुपर ह्यूमन बनाने का, ठीक है। आगे थोड़ा वीडियोग्राफी थोड़ा करूँगा पर वो अच्छा दिखने के लिए बस, ओके। अब मैं रखता हूँ, घर जाने का टाइम आ गया, बाय, गुड नाइट, सी यू।